अच्छा जी, अ बॉडी ऑफ मास 50 केजी मूविंग विद दिस विद स्पीड ऑफ अ बॉडी, कोई भी बॉडी है जिसका मास गिवन हो और इसकी स्पीड गिवन हो, दो चीजें गिवन है, बहुत आसान है। किसी भी ऑब्जेक्ट का मास गिवन है और इसकी स्पीड गिवन है। मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट, मास ऑफ अ बॉडी इज 50 किलोग्राम्स एंड स्पीड ट्वेंटी मीटर्स पर सेकेंड। फाइंड क्या करना है, काइनेटिक एनर्जी इस ऑब्जेक्ट की कितनी होगी अगर वो मूव कर रही है, तो काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। नाउ वी नो दैट बचपन में, सिंस वी नो दैट क्या था फार्मूला काइनेटिक एनर्जी निकालने का, 1/2 एम वी स्क्वायर। देयरफॉर काइनेटिक एनर्जी इज एक्चुअली इक्वल्स टू 1/2, व्हाट इज एम, 50 और 20 का स्क्वायर। स्क्वायर का मतलब क्या होता है, दो दफा लिखना होता है, मल्टीप्लाई इटसेल्फ होता है, 20 times 20, डिवाइड हो रहा हो तो डिवाइड कर लो, 2 ones are 2, 2 tens are 20। तो कैलकुलेटर की मदद लेना चाहते हैं, कैलकुलेटर की मदद ले लें। हाँ जी, कैलकुलेटर स्टैंडर्ड कितना हो गया, 50 multiplied by 10 multiplied by 2, 5 2s are 10, 1000 joules हो गए। 50 multiplied by 10 multiplied by 20, 10,000। तो 1, 2, 3, 4, 10,000 यूनिट क्या होता है काइनेटिक एनर्जी का। काइनेटिक एनर्जी का यूनिट याद रखिएगा, वो यूनिट होता है जो वर्क का यूनिट होता है, वर्क का यूनिट होता है जूल्स। तो काइनेटिक एनर्जी का भी क्या होता है, जूल्स। जूल्स साइंटिस्ट का नाम था, उसके नाम पर इसका यूनिट रखा गया था। तो काइनेटिक एनर्जी का यूनिट आ गया जूल्स, दैट्स ऑल। ये हमारे पास सोल्यूशन क्रिएट कर दिया, बहुत आसान क्वेश्चन था। अगर प्रॉब्लम ये आती है कभी कभार, जैसे 8.7 में था, उसमें जो स्पीड है ना 8.7 के अंदर की, हिंट दे रहा हूं, उसके अंदर जो स्पीड है ना एक्चुअली वो किलोमीटर्स पर आवर में गिवन है। मतलब 8.7 में वो कह रहा है स्पीड है 90 किलोमीटर्स पर आवर। अगर स्पीड किलोमीटर्स पर आवर में गिवन हो और मास जैसे फर्ज कर लो उसने दे दिया, मास ग्राम्स में दे दिया, तो क्या करेंगे आप, इसको कन्वर्ट करना चाहते हो, अगर कन्वर्ट करना चाहते हो इनटू एसआई यूनिट्स, पहले आप कन्वर्ट करोगे इसको एसआई यूनिट्स में। कन्वर्ट कैसे करोगे, किलोमीटर पर आवर से मीटर्स पर सेकंड में जाओगे। तो किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में जाओगे तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर्स होते हैं, सही है, 1000 meters 1 kilometer में होते हैं, याद रखना 1000 meters 1 kilometer में होते हैं। और 1 hour के अंदर 3600 seconds होते हैं, 60 times 60 is 36, मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइडेड बाय 3600, क्योंकि डिवाइडेड बाय आवर्स इज डिवाइडेड बाय
सेकंड्स में करने के लिए, तो ये मीटर्स पर सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी तरह से अगर आपके पास ग्राम्स में डाटा हो और आप चाहते हो कि उसको किस में कन्वर्ट करो, किलोग्राम्स में, तो 1 ग्राम्स 1 किलोग्राम्स के अंदर 1000। याद रखना एक ट्रिक कि के जब भी हटता है 3 जीरो आ जाते हैं, तो के हटा के 3 जीरो लिख दिए, एक के यहाँ से हटाया तो 3 जीरो यहाँ लिख दिए, सही है? ये ट्रिक याद रखना, बड़ी आसान सी है। तो ग्राम से किलोग्राम्स में जा रहे हो तो डिवाइडेड बाय 1000। छोटे यूनिट से बड़े यूनिट में जाओगे तो डिवाइड करोगे, बड़े यूनिट से छोटे यूनिट में आओगे तो मल्टीप्लाई करोगे। अब इसी तरह से सवाल में जो गिवन था, वेलोसिटी गिवन है कितनी, 90 किलोमीटर पर आवर। तो अब आप चाहते हो इसको मीटर्स पर सेकंड में करना, मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइडेड बाय 36, तो ये किस में कन्वर्ट हो गई, मीटर्स पर सेकंड। इसको कैंसिल करना चाहो कैंसिल कर लो, 10 डिवाइडेड बाय मतलब 90 हो जाएगा। अगर आप इस तरह से कर लो 90 times 10, 900 डिवाइडेड बाय 3625, तो ये कितना आ गया, 25। समझ में आया पॉइंट? तो 900 को डिवाइड करा 36 से तो 25 है। तो आपने इसको किस में कन्वर्ट कर लिया, तो 90 किलोमीटर पर आर था, इसको अगर आप मीटर्स पर सेकंड में कन्वर्ट किया तो आपके पास क्या आया, वो 25 मीटर्स पर सेकंड आ गया। दैट्स ऑल, ये कन्वर्जन आपने कर लिया, सवाल सॉल्व हो जाएगा। ये कन्वर्जन स्केल याद रखना, ये रफ वर्क में इस्तेमाल किए जाते हैं याद रखने के लिए, सही है? तो 8.7 में इसने कन्वर्जन स्केल से किया, सवाल ऐसे भी सॉल्व होगा जैसे 8.4 आपने सॉल्व किया। सिमिलरली 8.5 एंड 8.5 के बाद 8.5, दो क्वेश्चंस और रह गए 8.5 में जो क्वेश्चन है उसमें बोला गया, व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी, व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी, व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड बाय अ कार, stored by a car of weight 2000 newton when lifted fifty meter straight। तो कहता ये है कोई भी एक गाड़ी है, फर्ज करो, सही है, पोटेंशियल एनर्जी उसमें कितनी स्टोर की जाएगी अगर हम उसको लिफ्ट करें, इस गाड़ी को लिफ्ट कर रहे हैं, ऊपर लेके जा रहे हैं, सही है? अब ऊपर लेके जा रहे हैं एक्सिस से, जैसे फर्ज कर लो ये एक्सिस से ऊपर जा रही है, जैसे हम इसको ऊपर लेके जा रहे हैं गाड़ी को, मूविंग अपवर्ड, तो इसके अंदर कौन सी एनर्जी आ रही है, जब कभी कोई पोजीशन चेंज होती है तो इसके अंदर कौन सी एनर्जी आ जाती है, पोटेंशियल एनर्जी। अब लिफ्टेड कितना किया गया, इसका वेट था गाड़ी का वो था 2000 न्यूटन, सही है? इसको कितने हाइट पे लेके चले गए, इसको हाइट पे ले गए 50 मीटर्स हाइट पे ले गए। तो कह रहा है भाई व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी, इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी कितनी आ जाएगी, तो पोटेंशियल एनर्जी एक्चुअली हाँ अगर याद करो वेट W is equals to mg is equals to कितना है 2000 न्यूटन, तो वेट का फार्मूला कितना है भाई,
2000 न्यूटन, सही है। और हाइट कितनी है? वो है 50 मीटर्स। और पूछ क्या रहा है? पोटेंशियल एनर्जी। अच्छा, कैलकुलेशन अगर आप याद करो, इसकी कैलकुलेशन का फार्मूला क्या था? पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला क्या था? एम जी एच। एक्चुअली एम जी किसको रिप्रेजेंट करता है? वेट को। एम जी की जगह पे आप वेट डाल सकते हैं। पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू एम जी कितना है? 2000। और हाइट कितनी है? 50। 5 to the 10 और 5 to the 10 और कितना हो गया? 1, 2, 3, 4, 4। तार हिला हुआ है, इसका तार हिला हुआ है, तार हिला हुआ है आगे से यार। 5 to the 10,000 आपके पास ये इसका वेट आ गया। और याद रखिएगा इसका एनर्जी का फार्मूला भी क्या होता है? जूल्स। इसका एनर्जी का फार्मूला भी क्या है? वो जूल्स। एनर्जी का फार्मूला जूल्स में होता है, सही है। तो एनर्जी का फार्मूला भी जूल्स में होता, मतलब पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला यूनिट भी जूल्स में होता है। तो हमारे पास जो है वो इसका यूनिट भी जूल्स में आ जाएगा। तो याद रखिएगा एनर्जी के यूनिट भी जूल्स में आते हैं। पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू 10,000 जूल्स। ये हमारे पास डेवलपमेंट हो जाएगी। दिस इज एक्चुअली क्वेश्चन नंबर 8.5, सही है। नाउ मूविंग 8.8, लास्ट क्वेश्चन है। 2000 न्यूटन से 200 न्यूटन। सही है। मल्टीप्लाई 5 to the 10, 3 और 1, 4, सही है। अब सही है, क्योंकि गाड़ी का वजन यकीनन ज्यादा ही होगा, थाउजेंड्स में ही होगा। और एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 8.8, लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का ही। इसके अंदर क्या है? एन ऑब्जेक्ट वेट 10 न्यूटन, एंड ऑब्जेक्ट वेट 10 न्यूटन, वेट 10 न्यूटन फॉल्स थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 10 meters. What is the velocity just before hitting the ground? Velocity just before hitting the ground. सही है। अज्यूम देयर इज नो फ्रिक्शन, फ्रिक्शनल फोर्स इज जीरो, अज्यूम करना है। तो कभी भी कोई भी ऑब्जेक्ट अगर फॉल कर रहा है, तो अगर आप नोट करो, कोई ऑब्जेक्ट है वो ऊपर से नीचे गिर रहा है, ग्राउंड पे आ रहा है, दिस इज ग्राउंड, और हाइट से गिर रहा है नीचे, यकीनन किसी सर्टेन हाइट से नीचे आ रहा है, ये ऑब्जेक्ट है कोई और सर्टेन हाइट से नीचे गिर रहा है, सही है।
ये जो भी ऑब्जेक्ट है जो सर्टेन हाइट से नीचे गिर रहा है, सही है, और इस ऑब्जेक्ट का वेट है 10 न्यूटन और हाइट है जिससे फॉल कर रहा है दैट इज 10 मीटर। जब ये नीचे आ रहा होगा तो यकीनन यहाँ पर क्या हो रहा होगा, लॉस हो रहा होगा किसके अंदर, पोटेंशियल एनर्जी में। पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही होगी और क्या चीज गेन हो रही होगी, गेन हो रही होगी काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी, ये बात तो आप याद रखिएगा कि जब कभी भी कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे गिर रहा है तो टोटल एनर्जी कांस्टेंट है, तो लॉस हो रहा होगा क्या पोटेंशियल एनर्जी और गेन क्या हो रहा होगा काइनेटिक एनर्जी। तो अगर आप नोट करें सिंस इसका वेट कितना था, वो था 10 न्यूटन, तो वेट का फार्मूला क्या होता है, एम जी कितना था 10 न्यूटन। अगर मास की बात करूं तो 10 डिवाइडेड बाय 10 न्यूटन। सही है, समझ आया, तेज तो नहीं कर दिया, इसको अलहदा से करके दिखा देता हूँ। सिंस वेट किसके बराबर होता है, एम जी के, है ना, मास टाइम ग्रेविटी। वेट कितना है 10, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितनी होती है, ग्रेविटी कितनी होती है 10, हम अज्यूम करते हैं अप्रोक्सीमेटली, तो मल्टीप्लाई बाय 10, तो मास कितना हो गया 10, ये डिवाइडेड में चला गया, मास कितना हो गया 1 kg। सही है, अगर आप इक्वेशन नंबर ए को चेक करो, देयरफॉर मैंने मास क्यों निकाला, किसी वजह से, देयरफॉर इक्वेशन ए क्या कहती है, लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी कम होगी, क्या चीज बढ़ेगी, गेन इन लॉस एम जी एच, और इसका फॉर्मूला क्या है, हाफ एम ए स्क्वायर। सही है, अगर आप एम से एम को कैंसिल भी कर दो, एक ही ऑब्जेक्ट है, तो ग्रेविटी कितनी है 9 या 10, हाइट कितनी थी, कितने मीटर्स पे था 10, और वी स्क्वायर 2 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 10 वी स्क्वायर, एंड वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 200 हंड्रेड, हंड्रेड मल्टीप्लाई बाय 2 is 200 और 200 का स्क्वायर रूट ले लो दैट इज 14.14। सही है, तो 14.14 रेडिकल ले लिया 200 का, दैट इज वेलोसिटी 14.14। अगर आप नोट करो आपको ये निकालने की भी जरूरत नहीं पड़ी, आप डायरेक्ट यहाँ से आप मूव कर सकते थे, ओके, मास से मास क्या हो गया कैंसिल, तो आपके लिए ज़्यादा आसानी इसमें रहती है। तो अगर आप यहाँ से यहाँ मूव कर जाते, बस आप ये लिखो लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, उसके बाद आप यहाँ कर लो, क्योंकि मास की ज़रूरत नहीं पड़ रही, लेफ्ट और राइट मास क्या हो रहे, कैंसिल हो रहे हैं, ये फार्मूला सिर्फ इस्तेमाल कर लो, लॉस ऑफ